समर्थन के लिए दो शब्द जरूर कहूंगा कि हारे हुए टीम के हमने टीम के लिए कहूंगा अपने भाइयों के लिए कि सदमे से निकल आए दिन, सदमे से निकल आए दिन, तुझे लड़ना भी है तुझे सीखना भी है, मोहब्बत में हार की आंसू नहीं दिखाए जाते। जीते हुए टीम के लिए कहूंगा दीदावती छोटू आकर बोला हमको कि भैया आप हम लोग का कमजोरी बता रहे थे, नहीं भाई मैं हमेशा चाहता हूँ कि जो क्रिकेट हो थोड़ा सा दोनों ही टीम लगे ना तो दर्शक को भी देखने में मजा हो और यहाँ पर अच्छा मैच खेला, अंतिम अंतिम गेंद तक अच्छा मैच खेला और मुझे काफी खुशी हुई क्योंकि क्रिकेट अगर एक तरफा हो जाता है तो फिर दर्शक भी उदास हो जाते हैं, हम लोग भी उदास हो जाते हैं और दोनों ही टीम लास्ट गेंद पर डिसीजन जब हुआ ना तो अच्छा लगा। और छोटू मैं कमजोरी नहीं बता, काफी दिन क्रिकेट खेले हैं तो तुम भी मेरा कुछ कमजोरी जानता हो, हम भी तुम्हारा कमजोरी जानते हैं तो थोड़ा सा छोटा भाई था इशारा कर रहे थे लेकिन ऐसी बात नहीं था कि मैं अपना कमजोरी बता रहा था और तुम मेरे मित्र हो, मैं चाहूंगा तुम और क्रिकेट के क्षेत्र में आगे बढ़ो, बस आपके लिए बस दो लाइन यही कहूंगा आपकी टीम के लिए कि थके नहीं है पांव हमारी ना हिम्मत हारी है, थके नहीं है पांव हमारी ना ही हिम्मत हारी है, अभी तो दौर में अभी तो कितना दौर देखना बाकी है, सफर देखते जारी है, बहुत बार तुमको देखना है हमारे साथ हमारे भाइयों के साथ, एक दिन मुझे विश्वास है कि छोटू मेरे पिता के साथ भी तुम क्रिकेट खेलेगा, 100% अपने आप फिट रहना स्वस्थ रहना, छोटू जैसे प्लेयरों हम लोग को देखिए रसगुल्ला होगा, हम लोग का बैचमेट है तो फिटनेस इनसे दिखता है, सभी नौजवानों को सीख लेना चाहिए कि शरीर को स्वस्थ कैसे रखा जाता है और सीख को छोटू से सीखे, आज भी उसी तरह बल्लेबाजी करते हैं, जब मैं आज ही देख रहा था तो मुझे लग रहा था कि 10-15 साल पहले जब हम लोग क्रिकेट खेलते थे आज भी वही कर रहा, कोई चेंजिंग नहीं है, वो बहुत ऐसे प्लेयर हैं सारण में जिनके साथ मैं बहुत लंबा क्रिकेट खेला हूँ और यादें सजा के रखी जाती है, वो मेरे दिल में है, आप लोग जहां भी खेलते हो आप लोग को बस दिल में नाहित, बहुत सारे चंदन भी है, बहुत सारे लड़के कमल है, सबका नाम हम बोल सकते हैं धनु बाबा, 2007 में मेरे मित्र धनु बाबा कमेंट्री करते थे और हम लोग ग्राउंड में खेला करते थे और देखते ही देखते जीवन के क्षण जो है साथ कहा जाता है कि खेल मैसेज देता है, यहाँ सारे भाईचारा का सभी हम लोग एक हैं, आपको कोई ऐसा मंच नहीं मिलेगा कि जिस मंच पे यह खेल एक ऐसा मंच है कि जो भी अच्छा खेलता है उसके लिए आप ताली बजाते हो, ऐसा कोई मंच नहीं मिलेगा, कोई कल मंच हो कोई भी मंच हो थोड़ा सा दो चार मिनट, ये मंच जो होता है सभी लोगों को ये 2200 प्लेयर हम लोगों को बहुत बड़ा मैसेज देते हैं कि हम सब एक हैं और हमारी एकता तो इन खिलाड़ियों से सीखना होगा, वैसे ही समाज में कि हम लोग एक बन के रहे, जब हम लोग एक बन के रहेंगे तो फिर किसी को ताकत नहीं है कि हमें हिला दे, किसी को ताकत नहीं, हमारी पहचान होनी चाहिए। और अटल बिहारी वाजपेयी जी उनके बारे में क्या कहना, देश में मस्तक था एक संस्थान से, एक बड़ी धरोहर सभी के दिलों में, शायद मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा करता था और इनके कविता को भी मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा है, आज भी अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता अगर आप लोग पढ़ोगे तो दिल से अगर पढ़ोगे तो उसमें उतर जाओगे और ऐसे महान व्यक्ति के बारे में मैं शब्दों से कुछ नहीं कह सकता हूँ, ऐसे लोग धरती पे कभी कभी आते हैं और मैं समझता है हम लोग मुझसे भी ज्यादा लोग पैसा वाले लोग हैं, लेकिन मेरा एक सपना है कि 5,000-10,000 गरीब के बच्चे भी क्रिकेट खेलना चाहते हैं और सबके जैसा पैसा नहीं होता, मेरे 5,000-10,000 से अगर वो एक अच्छा बैग खरीदते हैं, मोटरसाइकिल में तेल भरवाते हैं और जगह जगह जाकर क्रिकेट खेलते हैं तो मुझे काफी खुशी होती है, मुझे लगता है कि ऊपर वाला मेरे बच्चों को आशीर्वाद दे रहा है और आज 20 साल हो रहा है, मुझे खूब याद नहीं है, मुझे खूब याद नहीं है कि 10,000 बच्चे या 20,000 बच्चे कितने बच्चों को मैंने 10-15,000 का पुरस्कार दिया होगा, मुझे खुद याद है, ये एक दिन की बात नहीं है,
ये परसों हो गया भाई, और मैं आप लोग से वादा करता हूँ कि जब तक सांस रहेगा मैं ये काम करता रहूंगा, जब तक क्योंकि मुझे खुशी होती है उन मेरे बच्चों को मदद करके। ये तो क्रिकेट बिहार में सभी धारा सेट के बच्चे भी होते हैं, सभी ऐसे वाले बहुत गरीब के बच्चे भी होते हैं जिनके माता पिता 10-15 हजार रुपए कमाते हैं, वो अपने बच्चों को कैसे क्रिकेट खिलाएंगे? तो उनको बल मिलता है, उनको हौसला मिलता है, और यह हौसला हम नौजवान तक भी देते रहेंगे, हमेशा देते रहेंगे, और इसमें कोई भी पक्षपात नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है भाई कि हर जगह एमपी विधायक होते हैं, मैं किसी पोस्ट पे नहीं हूँ, मैं किसी पद पे नहीं हूँ, लेकिन आप लोगों का प्यार इतना ना भारी है, ना मेरे पास कोई फंड है, ना मेरे पास कुछ भी है, लेकिन इतना जरूर है कि ये 5-10 हजार रुपए जो है ये आपका है। अगर मैं कमाता हूँ तो आपके लिए कमाता हूँ, और आप जब भी कमाइएगा मैं आपके बीच में आता रहूंगा।